बताते चले, मामला जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के सरोली गांव के राम बाबू गौतम पुत्र बचानी गौतम की शादी खागा तहसील क्षेत्र में भतवा गांव के विरन की पुत्री रीतु के साथ 2 साल पहले हुआ था, जिसे कि मायके पक्ष वालों ने तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बिटिया रीतु को शादी के बाद कम दहेज लाने से उत्पीड़न में आए दिन गाली गलौज मारपीट किया करते थे, जिससे कि वही दहेज की बात को लेकर शुक्रवार को भी रीतु के साथ काफी मारपीट की गई थी, लेकिन शनिवार को दोपहर में रीतु ने फोन पर बताया कि हमें बुला लो नहीं तो मार डालेंगे, लेकिन मामले में अपना कोई रुख नहीं बदला। क्या नाम है आपका? ममता देवी। कौन सा गांव है ये? सरोली गांव है। बधोह मतलब तो ये कहाँ का मामला है जो है, जो घटना है? आपकी लड़की यहाँ भी आई थी? अच्छा, आपकी लड़की भी आई थी, तो क्या क्या मामला है पूरा बताइए, क्या हुआ, घटना क्या हुई है? मेरी बिटिया को 5 बजे आग लगा। कौन लगा दिया आग? पूरे घर भर, नाना ससुर आदमी। तो क्या नाम है उन लोगों के जिन लोगों ने आग लगाई है? ननन का गीता नाम है। अच्छा। मेहमान का राम बाबू। अच्छा। ससुर का हरिचंद, सास का नहीं हम प्रमाण। अच्छा, तो कौन ये कौन सा थाना लगता है इस गांव के अंतर्गत? घोष, सुल्तानपुर घोष। अच्छा, आपको क्या नाम बताया था? सर, जैसा कि आज ये सरोली ग्राम पंचायत में ये हादसा हुआ, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा। ये रीतु देवी है, खकरेरू थाना क्षेत्र पड़ता है उसका, जो है यहाँ ब्याही हुई है सरोली गांव में, जो है जी राम बाबू से जो है 2 साल पहले शादी हुई थी। जी जी। अब बताते हैं कि जो है दहेज के लिए प्रताड़ना जैसा कि आरोप है जी लड़की के परिजनों का, जो जी है जी। कि दहेज प्रताड़ना को लेकर जो है उसको जलाकर मार डाले हैं, और लड़की के पिता बीरन की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया जी। है पार्टी को शव को कब्जे में लेके जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है जो है, और तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर जो है उनको सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।